राजपाल हैं, कॉलर यूपी से, उनका रुख कर लेते हैं, बात करते हैं उनसे। जी राज, आपको क्या परेशानी? हाँ जी, सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम, बताइए जी अजीम राजपाल जी, साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा पेट जो है जाम रहता है, जाम हो जाता है, और मतलब एक दिन थोड़ी सी छुट्टी आवे फिर तो बिल्कुल, चाहे 8 दिन हो जाओ, 10 हो जाओ, 20 हो जाओ, बिना दवा के काम नहीं चलता। क्या दवा ले रहे हैं और कितनी उम्र है, कितना वजन है? उम्र 60 साल है, वजन भी 60 ही किलो है। हाँ, अच्छा, दवाएं कौन सी ले रहे हैं? एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं? एलोपैथिक तो मैं नहीं ले रहा, मैं तो वगैरह इस तरह की ले लेता हूँ, या वो भी ले लेता हूँ, बसरुम्बा। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, एक तेल आता है और उसे आसान जबान में अरंडी का तेल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलता है अरंडी का तेल, कैस्टॉल ऑयल इंग्लिश में बोलते हैं। इसके 2 चम्मच रोज़ाना आप पिया करें, छोटे चाय के चम्मच, और रोज़ाना आप पिया करें 1 मर्तबा। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये पेट का मामला, जो आपको कब्ज़ रहता है, और वो कोई दवा लेना चाहें तो लेते रहें, लेकिन ये आपकी आंतों में जो खुश्की आ गई है वो तो उसको दूर कर देगी। और जब आंतें चिकनी होती हैं तो फुजलात उनसे फिसल कर चलते हैं और खारिज हो जाते हैं, तो ये लेना शुरू करिए, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। उत्तम है झुंझुनू से कॉलर जी, बताए उत्तम, आपको क्या परेशानी? मैडम नमस्कार। जी जी आदाब। आगम जी को आगम जी को भी नमस्कार। जी जी आदाब। सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। उत्तम भाई बताइए, क्या सवाल है आपका, क्या सेवा करूँ? मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ठीक है। बहुत दवाई एलोपैथिक को लिया था, तो किसी ने बोला था अरे यहाँ पे शो चैनल में शो आ रहा है, ये देख लो, तो उसमें आयुर्वेदिक हो, उसमें आपको आराम मिल जाएंगे, इसलिए अच्छा, मैं फोन किया आपने। फोन किया सर्वाइकल में आपको दर्द वाला है या चक्कर वाला? नहीं, दर्द बताया। ठीक है। और देखिए, सर्वाइकल 2 तरह के होते हैं, चक्कर भी आते हैं और दर्द भी होता है। बेशतर लोगों को दर्द वाला होता है, चक्कर वाला कम लोगों को होता है, लेकिन दर्द वाले का अगर सही इलाज ना मिले तो उसमें चक्कर आने भी ज़रूर शुरू हो सकते हैं। तो उसके लिए आप ऐसे ये एक्सरसाइज आप 2 मिनट करेंगे रोज़ाना, और एक ये ऐसे रोज़ाना 2 मिनट ये एक्सरसाइज करें और वज़न वगैरह ना उठाया करें। अगर आपका ऐसा काम है कि वज़न उठाना पड़ता है तो कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, तो इससे आपको बगैर दवा के भी फ़ायदा हो सकता है। चलिए उत्तम जी, इसे अपनाएं, अमल में लाएं, उम्मीद करते हैं कि आपको आराम आएगा। मोहम्मद शरीफ तेलंगाना से कॉलर हैं जी, बताएं मोहम्मद शरीफ कैसे हैं आप, क्या परेशानी है, क्या पूछना चाहते हैं किन साहब से? सलाम हकीम साहब। जी वाले सलाम, फरमाए क्या सवाल है? हाँ जी हकीम साहब, वो शुगर बीपी और हाथों पैरों में, जोड़ों में दर्द, और हाथों पैरों के उंगलियों में ऐसा ऐसा महसूस होता है कि करंट करंट है उसमें, पैरों में, उंगलियों में, हाथों में। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 42 42 साल है। 42। ठीक है। अच्छा देखिए, शुगर का इलाज सबके पास वही है कि दवा खाते रहो और शुगर कंट्रोल रखो, परहेज भी करो, पैदल भी चलो, यही इलाज सबके पास है। आप जो दवा लेते हैं वो लेते रहें, और यूनानी में कुछ लेना है तो जैतून का सिरका 3-4 चम्मच रात को ज़रूर पिया करें, ताकि शुगर की दवाएं के जो नुकसान हैं उनको ये रोक भी लेता है और शुगर भी 40% कम रखता है, आपकी मौजूदा शुगर को 40% कम रखेगा। दिन में 1-2 बार ले सकते हैं। दर्द अगर होता है तो, और किसी दवा से फ़ायदा नहीं है, तो आपको चाहिए कि गौन सियाह यानी काला गौन
ले लीजिए 100-200 ग्राम, उसका पाउडर बनाइए और आधा ग्राम रोज़ाना नाश्ते के बाद खाया करें और आधा ग्राम शाम को रात को खाने के बाद। तो इससे आपका जिस्म का पुर्जा पुर्जा जोड़, नर्व, पट्ठे, डिस्क और तमाम जोड़ों के दर्द के लिए एक बेहतर दवा गौंसिया यानी काला गौन हो सकता है। एक और कॉलर है मुबीना कर्नाटक से, बात करना चाहती हैं। जी मुबीना, कैसी हैं आप, क्या परेशानी, हकीम साहब से बात कीजिए। वालेकुम वाले सलाम। मुझे ये निकोरिया का प्रॉब्लम है। निकोरिया जी जी, कितनी उम्र है? निकोरिया का प्रॉब्लम है। कितनी उम्र है आपको? निकोरिया का प्रॉब्लम है, 4-5 साल से है। उम्र बताएं आप अपनी। 40-5 साल। ठीक है। देखिए किसी भी मेल फीमेल को अगर लिकोरिया, औरतों के इस मर्ज को लिकोरिया भी कहते हैं और मर्दों के इस मर्ज को जिरियान कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, और दोनों लोग जिनको भी ऐसा मर्ज है लिकोरिया या जिरियान यानी धार जाना, उनको चाहिए कि 100 ग्राम मोरिंगा का गौन और 200 ग्राम भूसी ईसबगोल जो सबको मिलती है मेडिकल स्टोर पर ज़्यादातर, इसको खूब बारीक पाउडर बनाएं और 2-3 ग्राम रोज़ाना एक बार से दो बार तक खा सकते हैं। चंद हफ्ते खाएंगे तो आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल, परेशानी ठीक होना मुमकिन है, जैसा हकीम साहब बता रहे हैं। मुबीना, आप उसे अमल में लाएं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो दिक्कत है, आपको जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। एक और कॉलर हकीम साहब इंशाल्लाह हैं, दिल्ली से हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी इंशाल्लाह जी, बताएं कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम इंशाल्लाह साहब। जी साहब, ऐसा कि मैं मक्के में हूँ माशाल्लाह 25 साल से। माशाल्लाह। हाँ, और हाजियों की खिदमत में लगा रहता हूँ, हज उमरे की खिदमत में। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह साहब, आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, हम सब तो आपके सामने कुछ भी नहीं। बताइए क्या खिदमत? तो मैं अभी 5 महीने पहले थोड़ी सी गाड़ी लगी, गाड़ी गिर गई थी, तो घुटने में जाके चोट लगी मेरे, उल्टे पांव में, उल्टे उल्टे घुटने में। अब उस मामूली सी चोट लगी, उसके लिए मैंने इतने इलाज करवाया, इतने करवाया, मैं चलता बैठा हूँ सही हूँ, मगर रात को सो नहीं पाता। जब लेटता हूँ तो बस दर्द के मारे सांपता हूँ, और दवाई खा लेता हूँ तो ठीक हूँ, और दवाई नहीं खाऊ तो दर्द होता है। चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलने वलने में सब सही है, इतनी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बीच में भी आपसे रास्ता कायम करने की कोशिश करी, बात नहीं हो पाई। तो अभी मैं मक्के से आया हूँ 12 तारीख में ही, तो 50 आदमी थे मेरे साथ जी, माशाल्लाह हुआ, उनके साथ उमरा कराना ये कराना लगा रहता हूँ, बस रात को नहीं सो पाता दर्द के मारे। अच्छा एक और मैं आपसे हजरत के, सुबह को नहार में फजर की नमाज के बाद मैं करीबन 1.5 लीटर पानी गुनगुना पीता हूँ, उसको वो कोई नुकसान तो नहीं देगा मुझे? नहारू 15 साल से पी रहा हूँ पानी में। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो के पानी कह रहे हैं, लेकिन आप पानी नहीं, आबे जमजम पीते होंगे। और देखिए आपको तो अल्लाह ने कबूल कर लिया है, मेरे मैं जहाँ तक देखता हूँ कि मक्के में खादिम होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे मक्के में कोई खादिम बना ले तो मैं अपनी तमाम सब कुछ छोड़ के मक्के में रहने लगूँ और खिदमत करता रहूँ। बहरहाल आप आए हुए हैं और आपके लिए मैं एक दवा ही बता देता हूँ, क्योंकि कोई घरेलू नुस्खा ट्राई करेंगे जब तक आपका जाने का वक्त हो जाएगा। जहाँ भी आप हैं वहाँ अगर हमारी ब्रांच है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, सुबह शाम खाइए। और ऐसे लोग जिनके घुटनों में या कहीं चोट के दर्द है या कहीं नसों में दर्द है या डिस्क में दर्द है, कमर की डिस्क में या मोंडे में दर्द है, वो लोग अगर ये लें तो रफ्ता रफ्ता सारी तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। दिलशाद साहिबा, हकीम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं महाराष्ट्र से, उनका रुख कर लेते हैं। जी दिलशाद साहिबा, बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बताएं क्या परेशानी है आपको? आप बहुत दिन से वेट कर रही हूँ आपसे बात करने। जी मैं बहुत अच्छा हूँ दिलशाद साहिबा, बताइए क्या खिदमत की जाए आपकी?
तो मैंने ना आपको पहले भी बहुत बार कॉल कर चुकी हूँ, आपके नुस्खे भी आजमाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत असर भी हुआ और मुझे ट्यूबरक्यूलोसिस के दौरान मुझे वो थायराइड का प्रॉब्लम हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दवा भी ली और आपका नुस्खा भी आजमाया मैंने, तो प्रॉब्लम चली गई थी। तो डॉक्टर ने एक महीने तक विदाउट टैबलेट्स रखे थे मुझे, तो मैंने आपका नुस्खा ली, टैबलेट नहीं ली, उन्होंने टैबलेट लेने मना किए। फिर एक महीने के बाद चेक करने बोले थे, तो मैंने कुछ थोड़ा दिन ज्यादा हो गया, 3 महीने बाद चेक की तो माशाल्लाह नॉर्मल आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मुझे वही पूछना था, मैं आपका नुस्खा कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं? और मुझे ना हेयर फॉल वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, वाइट भी हो रहा है और कुछ स्किन वगैरह ग्लो करे, क्योंकि अल्लाह के करम से मतलब शादी तय हो गई है, 6-7 महीने के बाद शादी है और दुआओं की दरख्वास्त भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब खुशियाँ अल्लाह ताला आपको एक साथ दे रहा है, और आपको थायराइड में भी फ़ायदा कर दिया, चिन भी आपके ग्लो होने लगे, रिश्ता भी अल्लाह ने अच्छा कर दिया, अल्लाह करे आपके लिए बेहतर हो। और 2 नफिल पढ़ के ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए, मुमकिन हो तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। दूसरा कोई सवाल हो तो आप बताइए, ताकि बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है, पीछे बहुत वेटिंग होती है, सबसे बात नहीं कर पाता हूँ तो सबको शिकायत होती है। कोई और सवाल तो नहीं आपका? अच्छा देखिए, पहले मैं इनका नुस्खा बता दूं ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। देखिए थायराइड के लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ और वो बहुत कामयाब है, जैसे इस बच्ची को फ़ायदा हुआ ऐसे सब थायराइड के मरीज़ ठीक हो सकते हैं। और वो नुस्खा ये है, आंवला, मेथी और धनिया 200-200 ग्राम लें, और इसमें 150 ग्राम मोरिंगा का गौंद डाल दे। मोरिंगा का गौंद बहुत नकली मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, नकली तो बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन इन सब का पाउडर बनाए, मोरिंगा का गौंद इसमें मिला दे 150 ग्राम, बाकी चीज़ें 200-200 ग्राम, यानी आंवला, मेथी, आंवला सूखा मिलता है, मेथी दाना, और धनिया जो आपके घर में किचन में धनिया दाना है इसको खूब बारीक पाउडर बनाए, और 1-1 चम्मच सुबह और शाम निहार मुँह और रात को सोते वक्त गर्म पानी से खाने वालों का थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाता है, ऐसा मेरा तजुर्बा। नबिया है कर्नाटक से, उनसे बात करते हैं। जी नबिया, आप बताएं क्या परेशानी? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यकीन साहब, मेरे बेटा का उम्र 15 साल है जी। उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हार्ट में सुराख था जी। जी वो अभी नॉर्मल है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। पसीना बहुत होता है हाथ पैर में, इतना पसीना के पैर धोता है ऐसा लगता है, वो इतना पसीना होता है। ठीक है, और कोई पसीना होता है, नॉर्मल है अभी कोई। और कोई सवाल आपका इसके अलावा? जी मुझे टाइफाइड हुआ था, 15 दिन हो गया, तो अब बीपी भी लो है और खून भी कम है। क्या हुआ था आपको? टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड हुआ था, ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, पहले बेटे के बारे में बात करेंगे कि बहुत मुबारक कि आपके बेटे का कामयाब ऑपरेशन हो गया, लेकिन उनको अपना ख्याल हमेशा खुद रखना होगा, और हो सकता है 10-15 साल बाद फिर कोई शिकायत इनको हो, ऐसा होता है। जब डॉक्टर ने आपको जिस बारे में जो भी हिदायत दी है उसको फॉलो ज़रूर करना, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बच्चा था हमारे यहाँ बहुत छोटा हमसे उम्र में, और उसने फॉलो नहीं किया और फिर उसकी डेथ हो गई मेरे गांव में, और मैं आपको डरा इसलिए रहा हूँ कि आप उसको डरा दें, ताकि यंग बच्चे हैं, 15 साल यंग बच्चा होता है, वो इतना ख्याल नहीं रखता। और एक दवा उस बच्चे के लिए, जैतून का सिरका रोज़ाना 3-4 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर, वो छोटा चाय का चम्मच होता है, मिलाकर रोज़ाना ज़रूर दिया करें। रोज़ाना भी ना दे सकें तो दूसरे दिन तीसरे दिन ज़रूर दिया करें, ताकि वो बच्चा हमेशा हमेशा दिल की तरफ से तंदुरुस्त रह सके। आपके लिए आपको जो टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड दरअसल आंतों की तकलीफ़ होती है, हाथों में इन्फेक्शन होता है,
इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को टाइफाइड कहते हैं, जो बुखार की सूरत में बाहर आता है, इसमें कमज़ोरी आ जाती है। 10-15 दिन बाद आपको फ़ायदा लगेगा। और टाइफाइड की दवा तोड़ के रख देती है इंसान को। और आपके लिए एक सिरका बता रहा हूँ, एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का सिरका 3-4 चम्मच रोज़ाना रात को पानी में मिलाकर पिया करिए और 1-2 महीने पीजिए। इससे आपका खून भी पूरा बनने लगेगा, जो दवाओं ने नुकसान दिए हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो सकती हैं।